आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। देहरादून में चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो वहीं चारों तरफ पार्टियों द्वारा डोर टू डोर बहुत ही जोरों शोरों से किया जा रहा है। वहीं आज वार्ड नंबर 74 यानी कि चमनपुरी से शिव मंदिर तक डोर टू डोर की शुरुआत की गई। वहीं मौजूद रमेश पोखरियाल निशंक विकास मंत्री ने कहा कि जनता का काफी उत्साह है जो आज देखने को मिला, तो वही एक तरफा वोट पड़ेगा। वही मौजूद जनता ने भी काफी उत्साह देखने को मिला, साथ ही कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखा। वही 2022 के चुनाव में विनोद चमोली ही विधायक बने तो उनके कार्य गिनवाए गए। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है यहाँ कार्यकर्ताओं में, जनता में। इस उत्साह को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि एक तरफा मतदान होगा और धर्मपुर विधानसभा को हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर।